हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग BHU MSc बॉटनी 2018 का एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये इस चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो पहली बार, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर से ऑन रखिएगा, ताकि जो भी सीरीज इसकी अपलोड हो ये आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहे, जिससे कि आपको अगर आप MSc बॉटनी का एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो है इस बार एग्ज़ाम देने वाले हो 2019 का, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टूडेंट्स, 30 नंबर तक के क्वेश्चंस को हम लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया था, 1 to 30 तक के क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में हम 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? वुड इज क्लासिफाइड एज अ पोरस इफ इट कंटेन्स। वुड जो होता है ये पोरस में क्लासिफाइड किया गया है यदि ये कंटेन्स करता है क्या इन चारों ऑप्शंस में थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वेसल्स। इफ वुड इज वुड कंटेन वेसल्स देन वी कैन क्लासिफाइड वुड एज अ पोरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर फैमिली पोएसी। तो इन चारों ऑप्शन में से फैमिली पोएसी के लिए कौन सा स्टेटमेंट्स फॉल्स है, ट्रू नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, गाइनोसियम बाइकार्पेलरी। ठीक है, गाइनोसियम बाइकार्पेलरी इट इज़ अ नॉट ट्रू फॉर फैमिली पोएसी। पोएसी फैमिली में गाइनोसियम बाइकार्पेलरी नहीं होता है। फिस्टुलस स्ट्रीम, स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस, ओवरी विथ 2 feathery स्टिग्मा, तो ये सब करेक्टरिस्टिक्स हैं पोएसी के, बट गाइनोसियम बाइकार्पेलरी इज नॉट ट्रू फॉर फैमिली पोएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, वन चैम्बर्ड वन सीडेड फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम अ बाइकार्पेलरी इन्फीरियर ओवरी इज फाउंड इन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एस्टेडिएसी। वन सीडेड फ्रूट जो होता है ये डेवलप होता है बाइकार्पेलरी इन्फीरियर ओवरी में, ये प्रेजेंट होता है, फाउंड होता है किसमें, एस्टेडिएसी फैमिली में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। सिस्टोलिथ्स आर यूजुअली फाउंड इन द फैमिली। सिस्टोलिथ्स ये इन सभी फैमिली में से किस में प्रेजेंट होता है, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एकेंथेसी। यस, सिस्टोलिथ्स आर यूजुअली फाउंड इन द फैमिली एकेंथेसी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग विथ रिगार्ड टू फैमिली रूबिएसी। रूबिएसी के फैमिली के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक्स स्टिपुलेट लीफ इज नॉट प्रेजेंट इन द फैमिली रूबिएसी। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द फैमिली रूबिएसी। नेक्स्ट 36 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज रिलेटेड टू एंथर कल्चर। ठीक है, इनमें से कौन सा प्लांट चारों में से ये एंथर कल्चर से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर टू, डेट्यूरा एनोक्सिया। ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर, विच इज रिलेटेड टू द एंथर कल्चर। द फर्स्ट 5-carbon dicarboxylic acid इन क्रैब साइकिल इज। फर्स्ट 5-carbon dicarboxylic acid इन क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल में 5-carbon dicarboxylic acid है। ऑप्शन नंबर थर्ड, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड इज द फर्स्ट 5-carbon dicarboxylic acid इन क्रैब साइकिल। नेक्स्ट, फिजियोजिनोमी इज द स्टडी ऑफ। इसका होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जनरल अपीयरेंस ऑफ वेजिटेशन। ओके, फिजियोजिनोमी इज द स्टडी ऑफ जनरल अपीयरेंस ऑफ वेजिटेशन। द जोन ऑफ एटमोसफियर विच कंटेन्स प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर इज नोन एज। एटमोसफियर का वह जोन जो कि कंटेन करता है प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर, तो दैट लेयर इज कॉल्ड एज ऑप्शन नंबर थर्ड, स्ट्रेटोस्फीयर। ओके, स्ट्रेटोस्फीयर इज द प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर ये क्या होता है, एटमोसफियर का वह जोन होता है जो कि प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर कंटेन करता है। नेक्स्ट है, ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू पॉल्यूशन। ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू पॉल्यूशन बाई नाइट्रेट्स। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम ये पॉल्यूशन के थ्रू होने वाली डिजीज़ है, ये
कॉज करता है नाइट्रेट्स की वजह से, ठीक है. नेक्स्ट है 41, द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन बाय द सॉइल आफ्टर द ड्रेनेज ऑफ ग्रेविटेशन वाटर इज कॉल्ड एज. ऑप्शन नंबर 3, फील्ड कैपेसिटी. द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन बाय द सॉइल आफ्टर द ड्रेनेज ऑफ ग्रेविटेशन वाटर इज कॉल्ड एज ए फील्ड कैपेसिटी. नेक्स्ट क्या है, साइक्रोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमाइन. साइक्रोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट होता है यह क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 2, रिलेटिव ह्यूमिडिटी. ठीक है, साइक्रोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमाइन. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी. नेक्स्ट है एयर पोल्यूटेंट फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट इंक्लूड. ऑप्शन नंबर 4, ओजोन, परोक्सीएसिटिल नाइट्रेट एंड एल्डिहाइड्स. परोक्सीएसिटिल नाइट्रेट्स एंड एल्डिहाइड, ओके. एयर पोल्यूटेंट फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स, एयर पोल्यूटेंट फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो उसमें प्रेजेंट होता है ओजोन, परोक्सीएसिटिल नाइट्रेट एंड एल्डिहाइड. सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट इज ऑप्शन नंबर 3, ओजोन. ओजोन इज कॉल्ड सेकेंडरी पोल्यूटेंट. टर्म नीके टेल्स अस, नीके का मतलब क्या होता है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 2, हाउ अ स्पीसीज पॉपुलेशन इज स्पेशलाइज्ड विद इन अ कम्युनिटी. कम्युनिटी के बीच में कैसे हम स्पीसीज पॉपुलेशन का ये स्पेशलाइजेशन किया जाता है, दैट टर्म्स इज कॉल्ड एज नीके. नेक्स्ट, लिक्विड दैट स्पीड थ्रू सॉलिड वेस्ट और अदर मीडियम एंड हैज एक्सट्रैक्ट ऑफ डिजॉल्व मटेरियल इज नोन एज. लिक्विड जो कि सीप होता है, सोखा जाता है सॉलिड वेस्ट के थ्रू या अदर मीडियम के थ्रू, वो निकाला जाता है और डिजॉल्व मटेरियल में से, ठीक है. तो दैट लिक्विड इज कॉल्ड एज ऑप्शन नंबर 2, लीकेट, ठीक है, इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, टाइनी लिक्विड या सॉलिड पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन द एयर आर नोन एज. टाइनी बहुत ही स्मॉल पार्टिकल ऑफ लिक्विड या सॉलिड पार्टिकल अगर एयर में फ्लोट कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज एरोसोल्स. ओके, टाइनी लिक्विड्स या सॉलिड पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन द एयर आर नोन एज एरोसोल्स. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ अ स्मोक इज मेजर्ड ऑन. डेंसिटी ऑफ अ स्मोक इज मेजर्ड ऑन ऑप्शन नंबर 1, रिंगेलमैन स्केल. द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज इन सीओडी टेस्ट इज ऑप्शन नंबर 1, पोटेशियम डाइक्रोमेट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये यूज़ किया जाता है किसमें, सीओडी टेस्ट में. नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड टू एस्टेब्लिश माइक्रोबियल डाइवर्सिटी. ऑप्शन नंबर 3, सिस्टीन एस आरआरएनए सीक्वेंसिंग. सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है माइक्रोबियल डाइवर्सिटी एस्टेब्लिश करने का, सिस्टीन एस आरआरएनए सीक्वेंसिंग. तो स्टूडेंट्स प्लीज़ इस चैनल से आप जुड़े रहिएगा और आप लोग इसको उस पेपर को और भी सॉल्व आगे करने की कोशिश कीजिएगा, और इसके आगे की जो सीरीज़ है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से अपलोड करूँगी. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग स्टूडेंट्स. थैंक यू.